बाबा से सर्व संबंधों का मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव सुनाता हूँ, ठीक है? देखो, हमने हम बाबा से एक एक संबंध रखते थे, तो एक हफ्ता मजा पूरा नहीं आया, 15 दिन, 1 महीने भी जोर लगा के उस संबंध में बिल्कुल साथ में बिल्कुल बाबा। तो जैसे एक बार हमने बेटे का संबंध रखा, अब बेटा हमारी उम्र 22 साल थी, तो बेटा कैसे क्या बात करूं मैं, बेटा है मेरा कोई, तो मुझे जो अनुभव होते थे मेरे लिए नेचुरल था, जैसे मैं आत्मा मुझे क्लियर दिखता था और मेरे नीचे ऐसे बाबा आत्मा छोड़ ऐसे, चाहे आप उसको कृष्ण के रूप में रख सकते हैं या फरिश्ते के रूप में रख सकते हैं, अगर बेटा बनाते हैं बाबा को, शिव बाबा को, ठीक है? अब शिव बाबा मेरा बेटा, एक दिन हमने शुरू किया। अब उस समय मैं ट्रांसलेशन में सेवा था, जहाँ हारमोनी हॉल में ट्रांसलेशन होता था शिव, तो कोई आया उसने तारीफ की हमारी कि वाह तुमने बहुत अच्छी सेवा की, तुम मेरे पास ही आए, काम ये कर रहा है इसको दिखाई नहीं दे रहा है और मेरी तारीफ कर रहा है, काम इसने किया है मेरे साथ है ना बेटा और ये मेरी तारीफ कर रहा है, तो हंसी आई। फिर दादी जानकी क्या होता था, क्लास फॉरेनर्स होते थे तो लास्ट में रोज टोली खिलाते थे, जो नए आए उनको टोली देना, जो जा रहे हैं उनको टोली देना, तो हम जो लास्ट में साउंड वाले लाइट वाले हम बच जाते थे, तो हमें दादी से टोली लेने मिलती थी, तो दादी से टोली ली और मुँह में रखती भूल गया, तो बेटा कैसा बाप है अकेले दिन खा रहा है, सीधा मुंह में टोली ली मुंह में और ऐसे देख रहा हूँ बेटा बाप है तो अकेले खा रहा है, सॉरी सॉरी। मैं ये लाइव बता रहा हूँ, जैसे आप मेरे को देख रहे हो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई मैं किससे कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब दोपहर हुई तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ मुझे भोजन नहीं करना है, तुम जहाँ पे भोजन करो, पता है ना आप कहाँ पे भोजन होता है, तो लिटरली आवाज है आप चलोगे तो मैं चलूँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। अच्छा चलो, अब ज्ञान उस समय ये स्थिति ज्ञान स्वरूप में 500-600 भी है ना, तो मुझे दिखाई नहीं, माना जैसे कहते ना ये आंखों से देखते हुए भी आप नहीं देख रहे, मैं और वो बस हम चल रहे हैं, डाइनिंग में पहुंचे, मैं कहा यहाँ रुको मैं आता हूँ, थाली उठाए और उससे पूछ के क्या क्या चाहिए लेते हुए, फिर मैं साइड की टेबल चुनता था ताकि उसको ऊपर बैठा दूं, फिर मैं ऐसे जैसे काम फंस गया जैसे जैसे ना पूरा उसको ऊपर, उसको सम्मान भी देना उसको ऊपर बैठा है, फिर एक कॉल उठाया लाइट का, हाँ गया उसके मुख में, ठीक है लाइट का ऐसे, फिर एक कॉल उठाया दो रोटी खाने में खाना कहाँ जा रहा है, पनीर और दाल में कोई अंतर नहीं लगे आपको पता चलेगा, ये तो दोनों एक समान है, कहाँ जा रहा है पता चलेगा आपको, जब बाबा बाबा की याद में भोजन करोगे ना तो पनीर और दाल एक ही समान आपको दिखेंगे, आपको पता चलेगा ये कहाँ जा रहा है और बाबा की याद के बिना आप कैसे खाते हो और वो भोजन कहाँ जाता है, दो रोटी में और 30-30 बार कौर में अपने आप चबाओगे आप बाबा की याद में, मैंने देखा 25-30 बार चबाना अपने आप होता है और दो रोटी खाने में 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा, तीसरी रोटी आप खाओगे नहीं। एक रोटी उठाई लाइट का हाथ गया उसको खिलाया, फिर बीच में लिटरली कर धीरे धीरे खिलाओ ना जल्दी क्यों कर रहा है, मैं ये कहानी किसका नहीं सुना रहा हूँ, मैं बाबा के सामने ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर शाम का योग है, बाबा के कमरे में पहुंचे वो मेरे सांस से निकल के ट्रांसलाइट में चले गए, अब मैं बड़े प्यार से योग कर रहा हूँ, मेरे बच्चा सबको देखो सबको पावन बना रहे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, सत्युग बनाना चाहता है, पूरे विश्व को परिवर्तन करना चाहता है, चलो मेरा तन मन धन ना तेरा, तू वारिस है ना मेरा, तेरा इतना बड़ा कार्य है ना, सब कुछ तेरे को, तेरा मेरा साथ तुझे है ना, मैं बड़े प्यार से अपने बेटे को निहार रहा हूँ, वाह मेरा बेटा देखो सब योग कर रहे हैं उसके सामने, सब ले रहे हैं, सब देखो तो सब बैठे सभी मेरे बेटे से शक्तियां ले रहे हैं। फिर मैं उठा, फिर वो ट्रांसलाइट से लाइट निकली, फिर वैसा है ना, तो ये बेटे के साथ का अनुभव आपको पता चलेगा कि अगर जब संबंध का साथ रखते हो ना बाबा से संबंधों का, तो आपका निरंतर योग होगा नेचुरल,
और दूसरा जब आप लगातार दोगे सबको, जब आप हर आत्मा को दोगे ना, तो आपका निरंतर योग नेचुरल हो और एक सरल संबंध